मुरादाबाद के छजलैट ब्लॉक सभागार में ब्लॉक छजलैट क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम प्रधानों को ब्लॉक में बुलाकर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 2 दिवसीय महिला ग्राम प्रधान जागरूकता मीटिंग का आयोजन किया गया। ब्लॉक छजलैट क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में 36 महिला ग्राम प्रधान है, जिसमें से 32 महिला ग्राम प्रधानों ने मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग के दौरान खंड विकास अधिकारी पीएन चौधरी ने तरह तरह के कई विकास कार्य योजना के बारे में महिला प्रधानों को जागरूक किया। इस प्रशिक्षण में संस्था सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज C3 की ओर से आए प्रशिक्षकों ने महिला प्रधानों को ग्राम पंचायत में होने वाली सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया। सभी महिला ग्राम प्रधानों को उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों के विषय में फिर से अवगत कराया गया। विकास खंड के प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुशील कुमार यादव के द्वारा ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई एवं ट्रेनिंग सत्र को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। प्रशिक्षण में छजलैट के खंड विकास अधिकारी श्री प्रेम नारायण चौधरी ने महिला प्रधानों से उनके ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के विषय में चर्चा की। प्रशिक्षण में जनपद मुरादाबाद के जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार प्रदर्शनी ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत में अंतर को स्पष्ट किया एवं ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले सभी तरह के भुगतान से स्वयं को अपडेट रखने की सलाह दी। पूरा परिचय दिया ग्राम प्रधान ने जी, तो आप आज मीटिंग में क्या समझा रही है, क्यों यहाँ पर मीटिंग में 2 दिवसीय प्रशिक्षण पंचायत राज व्यवस्था की तरफ से C3 की तरफ से हमें पंचायत राज व्यवस्था की सारी जानकारी क्या क्या जानकारी किस विषय में, जैसे कि पंचायत क्या, ग्राम सभा क्या, ग्राम सभा के बारे में समझाया गया और ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। ग्राम पंचायत से ग्राम सभा में 18 वर्ष तक के जो वोटर्स होते हैं ग्राम सभा में आते हैं, ग्राम पंचायत में जो उनसे मनोनीत किए जाते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या क्या नियम है? ग्राम पंचायत के नियम जैसे कि 1 साल में 2 बैठक होती हैं, एक खुली बैठक और मासिक बैठक। ग्राम सभा की खुली बैठक, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक। और विकास के बारे में क्या जानकारी? विकास के बारे में जैसे क्या, 6 समितियां होती हैं गांव की, 6 समितियां होती हैं, उन 6 समितियों के बारे में विकास को विस्तार से समझाया जाए। सर आज जो मीटिंग हुई किस विषय में हुई? ये मिशन शक्ति के अंतर्गत जो है महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है। इसमें इन्हें अपने सारे कर्तव्यों के बारे में 2 दिन से इनको बताया गया है इन्हें क्या करना है। कितने ग्राम प्रधानों की प्रधान है ग्राम प्रधान? यहाँ पर 32 वैसे तो हैं 36 महिला प्रधान, लेकिन 32 महिला प्रधानों ने प्रतिभाग किया है। और क्या नियम बताएगा इनको मतलब इन्हें अपने जो इनके अधिकार हैं जो कर्तव्य हैं उसके बारे में बताया गया क्षमता प्रधान के लिए जो है कि इनमें कैसे नेतृत्व की भावना आवे और गांव में जो है ये सबके साथ सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करें उसके बारे में इन्हें सब बताया गया। अच्छा, कोई विकास कार्य की चर्चा हुई? विकास कार्य के बारे में ही बताया गया, सबके विषय में चर्चा की गई। आने वाली योजनाओं के बारे में बात की? आने वाले योजनाओं के बारे में भी बात हुई, बाकी जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी विधिवत दी गई, सबको पूरी जानकारी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।